नेक्स्ट टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे वो है अमीनो एसिड्स. अगेन लाइक आई सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट नीड्स टू बी कवर्ड वेरी वेल एंड इफ़ यू डू इट वेल आपका ज़रूर ये क्वेश्चन सही होगा. जितना आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा, जितना टाइम आपने पूरे फंक्शनल ग्रुप और ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन लगाया, उससे बहुत कम टाइम इसमें लगता है और श्योर शॉर्ट आंसर है. ये जो पूछा जाता है इसमें अमीनो एसिड पीएच का डिपेंडेंस, बाकी जो है वो आप मॉड्यूल से पढ़ोगे. वो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्लासिफिकेशन है जो मैंने कहा, नथिंग मच. यू कैन बी आस्क्ड बट इट कुड मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. बट व्हेन आई डू दिस पोर्शन इट इज गोइंग टू बी वन सॉलिड क्वेश्चन. फुल मार्क्स यू विल गेट इफ यू डू दिस वेल. जरा समझे, चलो देखिए पीएच का इफेक्ट ऑन एलानिन मॉलिक्यूल देखते हैं. एलानिन मैंने कहा ये है, उसमें NH2COH ग्रुप. अब आप कह रहे हो कि वो ज्विटर आयन बन सकता है. ज्विटर आयन मतलब एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप, तो ये एच ट्रांसफर हो, ये भी हो सकता है. ज्विटर आयन की एग्जिस्टेंस अमीनो एसिड में है, कौन से पीएच पे है? चलो देखो, एक चीज़ समझ लें कि अगर ये वाला एच निकालना है अप्रॉक्सीमेटली जिसकी पी के ए 2 के आसपास है, और अगर ये वाला एच निकालना है इसकी पी के ए अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास है, तो अब पीएच देखते हैं बदलते जाएं तो क्या होगा. ये देखो, अगर मैंने पीएच 2 से कम कर रखी है, मतलब क्या, एसिड ज़्यादा है, 2 से कम बिलो 2 क्या होगा, ये वाला एच लग जाएगा और ये वाला एच भी लग जाएगा जब आपके पास एसिड ज़्यादा है. दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म है और एलानिन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कैटायन. इफ इट्स अ कैटायन इट विल माइग्रेट टू विच साइड, ऑब्वियसली एक कैटायन जो है वो कैथोड पे माइग्रेट करेगा. अगर मैंने इलेक्ट्रिकल करंट लगाया और पीएच 2 के नीचे रखा, तो आपके पास एक फॉर्म जो बनेगा एलानिन का वो कैथोड पे माइग्रेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो कैटायन है. देखो जी, अब पीएच मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ, मतलब बेस डालना शुरू कर रही हूँ. मैंने कहा इसका एच निकालना पीएच 2 के ऊपर से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा क्योंकि इसकी पी के 2 के आसपास है. अगर ये वाला एच निकल जाए जब आप 2 से पीएच बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये वाला एच निकल गया, वो वाला कब निकलना है, 9 के आसपास. तो अभी भी आपके पास इन बिटवीन सिचुएशन क्या है, CO- NH3+ न्यूट्रल फॉर्म है और ये क्या है, ज्विटर आयन है. मैंने बेस और डाल दिया, पीएच जो है अब और बढ़ानी शुरू की. अगर पीएच में अब 7 से बढ़ा रही हूँ, 9 के आसपास इसका एच निकल सकता है, 9 से ज़्यादा कर दी, क्या होगा, ये वाला एच तो निकला हुआ था, ये वाला एच भी निकल गया, सेकंड डिसोसिएशन, पी के ए 2 को क्रॉस कर दिया मैंने, अब वो वाला एच भी निकल गया, ये अब CO-. व्हाट हैज इट बिकम, एन आयन. जब वो एन आयन है, पीएच जब 9 के ऊपर है तो वो किस तरफ माइग्रेट करने वाला है, एनोड पे माइग्रेट करेगा एट दिस पीएच व्हेन आई पास इलेक्ट्रिक करंट. तो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हूँ और मैं पास कर रही हूँ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैं कहूँगी इस फॉर्म में इट इज़ गोइंग टू माइग्रेट टू द एनोड. व्हेन द पीएच इज बिलो 2 इट इज़ गोइंग टू माइग्रेट टू द कैथोड. बिटवीन दोस इट इज़ गोइंग टू बी अ ज्विटर आयन, माइग्रेशन नहीं होगी. तो ये फॉर्म जब वो माइग्रेशन ना हो वो ज्विटर आयन है, न्यूट्रल है, किसी भी तरफ नहीं जाएगा. तो when you say that pH, when it doesn't migrate to any side, when a current is applied, is called the isoelectric point. तो आपके पास अब क्वेश्चन ही होगा, isoelectric point different different amino acid के निकाल के बताओ. तो isoelectric point है क्या, जब वो form ऐसा हो जहाँ पे वो migration किसी भी तरफ ना दिखाए, उस pH को ढूंढो. तो मैं 3 केस ले रही हूँ. एलानिन का केस तुम समझ चुके हो, वैल्यूज के साथ कराऊंगी. एक एसिडिक और एक बेसिक अमीनो एसिड लूंगी, आप बताएंगे इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है. 3 केस जरा लिखते समझते इनको. 3 अमीनो एसिड मैंने लिखे, एक न्यूट्रल एलानिन, एक लाइसिन जिसमें इस ग्रुप के अलावा एक और NH3+ एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, और तीसरा जो है एक एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि इस COH के अलावा साइड चेन में भी एक और COH है, उसका नाम ग्लूटामिक एसिड. अब ये 3 अमीनो एसिड की मैंने पी के ए वैल्यूज लिख रखी है. इसको देखो, पी के ए 1 किसका होगा, इसका जब H निकले कार्बोक्सिलिक एसिड का. पी के ए 2 किसका होगा, इसका जब H निकले. अब पी आई कब होगा, जब वो दोनों तरफ माइग्रेट ना करे, मतलब क्या, ज्विटर आयन. पी एच क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी. तो पीएच क्या होनी चाहिए जब माइग्रेशन ना दिखाए
और ये वाला एच निकले, ये वाला ना निकले, और वो ज्विटर आयन हो, वो कौन सी पीएच होगी? हम लिखेंगे 2.34 प्लस 9.69 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी पीआई व्हेन इट विल बी अ ज्विटर आयन। ट्राई करो। अब अमीनो एसिड जो बेसिक है, साइड चेन में एक और, अब मुझे पहले तो कनेक्ट करके बताओ ये 2.16 किसके पीके है? कार्बोक्सिलिक। अब आपके पास दो NH3 प्लस ग्रुप है, मैं पूछ रही हूँ, एक है 8.95 मोर एसिडिक देन द वन विच इज अ 10.79, विच वन इज 8.95? तो आपका आंसर होना चाहिए 8.95 वो होगा जो एक विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगाए, ज़्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू डोनेटिंग ग्रुप जो लेस एसिडिक। तो मेरा आंसर है 8.95 ये होगा और 10.79 ये होगा। अब पीआई वैल्यू क्या होगी? जब आपके पास बेसिक ग्रुप है तो आप कहोगे कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो ज्विटर आयन किस तरह से बैलेंस होगा। आई वॉन्ट दैट यू शुड हैव नाउ दिस शुड बिकम CO माइनस एंड आई शुड हैव अ नेट नो चार्ज सिचुएशन। तो नो चार्ज सिचुएशन कब आएगी? जब मैं दो सेम ग्रुप्स हैं वो है NH3 प्लस, इन दोनों का एवरेज वैल्यू निकाल दूं, वो बैलेंस किससे होगी? दूसरे वाले के साथ बैलेंस हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हुआ? PI ऑफ सच एन अमीनो एसिड विल बी 8.95 प्लस 10.79 बाय 2 व्हेन इट विल बिहेव लाइक अ ज्विटर आयन। थर्ड को अपने आप निकालो, कौन से ग्रुप? एक, दूसरा एसिड और तीसरा PKa3। एक एसिड ये वाला विड्रॉइंग ग्रुप के साथ है 2.19, दूसरा ये वाला एसिड 4.25 क्यों? डोनेटिंग ग्रुप के साथ आ गया, और 9 के आसपास मैंने कौन सा बताया? NH3+। तो ये तो मिल गई थी, पर अब मुझे बताएं दो आपके पास COH ग्रुप जब ये बनेंगे ज्विटर आयन फॉर्म, तो आई मस्ट सी दैट दीज माइनस शुड बी बैलेंसिंग दिस प्लस। सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड टेक द एवरेज ऑफ PKa1 and 2 व्हेन आई हैव टू एसिडिक ग्रुप। तो PI वैल्यू क्या हुई? 2.19 प्लस 4.25 अपॉन 2। रेंज देखो एसिडिक, इसलिए इसका दो COH ग्रुप होने के कारण PI वैल्यू एसिडिक रेंज में आएगी। जब मैंने कहा दो बेसिक ग्रुप, इन दिस केस जब वो NH2 इन जनरल का, वैसे ही जब ग्रुप होगा, इसे हम बेसिक अमीनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर NH2 तो न्यूट्रल फॉर्म बनाते हैं, उसमें NH2 दो दिखाते हैं। बट इसकी वैल्यू देखो 7 से ज़्यादा आएगी, ये वाला जो है क्लोज टू 7 आएगी, जो हम कहेंगे वो कौन से? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो बेस्ड ऑन दिस PI निकालना, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, अमीनो एसिड को ढूंढना, ये अब आपका मॉड्यूल में बाकी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बायोमॉलिक्यूल ज़रूर करो। देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस, प्रीवियस IIT क्वेश्चंस विच वी हैव सॉल्वड एंड गिवन इन द मॉड्यूल, गो थ्रू दीज नाउ। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस वेल एंड डू रियली वेल इन द कॉम्पिटिशन, बिकॉज दिस चैप्टर द अदर्स विल नॉट डू, यू शुड हैव एन एज ओवर द अदर्स व्हेन यू अटेम्प्ट इट। गॉड ब्लेस यू। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट vitamins, nucleic acids and proteins. Let us start with vitamins. Now what are vitamins? Vitamins are the biomolecules which are required in small quantities by the body. They are not synthesized in the body. They have to be supplied through diet and they are required for the growth and maintenance of the body, for good health of the body. Now classification of vitamins. Vitamins are classified as water soluble and fat soluble. Now what are water soluble vitamins? Water soluble vitamins are excreted through urine from the body. So that means they have to be supplied regularly through the diet. Now what are the examples? Examples are vitamin B complex and vitamin C. Now vitamin B12 is the only exception which is not excreted from the body. It is not excreted. Rest of them, they get excreted. Now what are fat soluble vitamins? Fat soluble vitamins are which are soluble in fat and they can be stored in the body in the liver and adipose tissue.
Examples are vitamin A, D, E, K. Now, what is hypervitaminosis? If there is excess of vitamin A and vitamin D in the body, then it leads to hypervitaminosis. And what is avitaminosis? If there is a lack of multiple vitamins in the body or deficiency of multiple vitamins, that condition is known as avitaminosis. Now, vitamin H or biotin is neither fat soluble nor water soluble. So, neither fat soluble nor water soluble. Now, vitamin N, the deficiency disease related to that vitamin, vitamin A leads to night blindness. Vitamin B1, that is thiamine, leads to beriberi. Riboflavin, it retards growth. B6, pyridoxine, it leads to convulsions and insomnia. B12, cyanocobalamin, leads to pernicious anemia. Vitamin C leads to scurvy. D, the deficiency of it leads to rickets. Vitamin H, that is biotin, the deficiency leads to loss of hair and dermatitis. Vitamin E leads to sterility and muscular weakness. Delay in blood clotting. Now let us talk about what are proteins. Now, proteins are made from alpha amino acids, which you have already studied. Now, what are the different structure of proteins? First is the primary structure of a protein. Now, the sequence in which the amino acids are arranged in a protein, that is known as the primary structure of a protein. So, different proteins would be having different primary structure, like we have valine, leucine, glycine, alanine. So, this is the sequence of amino acids in a protein, and when the sequence changes, the primary structure will change. Now, what is the secondary structure of a protein? Now, the conformation which the polypeptide chains acquire as a result of hydrogen bonding, that conformation is known as the secondary structure. Now, you know that proteins, they are polypeptides. Polypeptides means they have large number of amino acids, and like this is a peptide chain linked to each other through CONH bond, that is a peptide bond. So, now there are two types of secondary structures, one is alpha helix and other is beta pleated. Alpha helix and beta pleated. Now, what is alpha helix? If the polypeptide chains, they coil
alpha helix is formed and when polypeptide chains lie side by side. It is beta pleated. Now alpha helix mein there would be intramolecular hydrogen bonding. And in beta pleated it would be intermolecular hydrogen bonding. Now alpha helix mein R group is large and in beta pleated the R group is small. Now what are the examples of alpha helix? Myosin in muscles and alpha keratin in hair. Now what are the examples of beta pleated? It is fibroin in silk. Now let us understand the tertiary structure of proteins. Now the three-dimensional structure of a protein is known as the tertiary structure of a protein. And what is a quaternary structure of a protein? Quaternary structure kaise banta hai? Now some proteins they are made up of two or more assemblies of polypeptide chains. So the subunits which are there in such proteins which are made up of two or more polypeptide chains, the spatial arrangement of those subunits and the sequence of those subunits is known as the quaternary structure of a protein. Now, what do we understand by denaturation of proteins? Now, every protein has a unique three-dimensional structure and it has its own biological property, it has its own biological activity, and such a protein, such a form is known as the native form of a protein. Now when we subject this protein to a change in pH or a change in temperature, the protein loses its biological activity, the helices they will uncoil, the globules will unfold, the hydrogen bonds they will get destroyed. And what will happen? That secondary and tertiary structure is destroyed, but the primary structure remains intact. This is known as denaturation of protein, as a result of which the protein loses its biological activity. And what is the example? Example is curdling of milk. Example is the overheating of egg white, as a result of which denaturation of proteins takes place because the proteins they get coagulated. Now we'll understand what are fibrous proteins and what are globular proteins. Now fibrous proteins mein kya hota hai? The polypeptide chains lie side by side. Globular proteins mein the polypeptide chains coil. Now fibrous proteins are insoluble in water. Globular proteins are soluble in water. Fibrous proteins mein, they are stable to
moderate changes of pH and temperature. Globular proteins are sensitive to small changes in temperature and pH. Now, what is the example of fibrous protein? It is same as the alpha helix, alpha keratin in hair and myosin in muscles. And for globular proteins, all the enzymes, they are globular proteins, and again the fibroin in silk, hemoglobin, they are all globular proteins. Now we will understand what is a nucleic acid. Now nucleic acids are biopolymers. They are polynucleotides which are made up of repeating units that are nucleotides. Now what are nucleotides? What is a nucleotide? Nucleotide has a base that is heterogeneous nitrogen base. It has a sugar which is a pentose sugar, and it has a phosphoric acid group attached to it. So what is the structure? Base, sugar, and we have a phosphoric acid group attached to it. Now what is a nucleoside? Nucleoside has only base and sugar. It does not have phosphoric acid group attached to it. So this is the basic difference between a nucleotide and a nucleoside. Now let us understand what are the two types of sugars. The two types of pentose sugars that are there are deoxyribose sugar and ribose sugar. This is the deoxyribose sugar and this is the ribose sugar. This is the furanose form, that is a 5-membered ring. So this is the ribose sugar and this is the deoxyribose sugar. Now we will understand what are the different types of bases that are present in nucleic acid. Purine bases are adenine and guanine, and the pyrimidine bases are, now look at the pyrimidine bases. This is cytosine, this is thymine, and this is uracil. Let us understand the differences between the two types of nucleic acids, that is RNA and DNA. RNA is ribonucleic acid, it has ribose sugar. DNA is deoxyribonucleic acid, it has deoxyribose sugar. RNA is single stranded and DNA is double stranded. RNA cannot replicate, DNA replicates. Now what are the purine bases which are present in RNA? Purine bases present in RNA are adenine and guanine, but the pyrimidine bases present in RNA are cytosine and uracil. It does not have thymine.
Now, what are the purine bases present in DNA? Purine bases are adenine and guanine, but the pyrimidine bases are cytosine and thymine. Now, what is the function of RNA? It helps in protein synthesis. And what is the function of DNA? It helps in transmission of hereditary characteristics. Now, where is RNA found? It is found in the cytoplasm. DNA is found in the nucleus of the cell. Now, the functions of nucleic acids. First is replication. Now, how does this replication takes place? When a cell divides, two daughter cells are formed. So, what happens is their DNA is identical to that of the DNA of the parent cell. So, that means transmission of hereditary characteristics has taken place. Then, how does protein synthesis takes place? Protein synthesis takes place by transcription followed by translation. Now let us talk about the Chargaff rule. Now what does Chargaff rule say? That it says that the amount of purine bases is always equal to the amount of pyrimidine bases. What does this mean? That the amount of adenine is always equal to the amount of thymine, amount of cytosine is always equal to the amount of guanine. That means we have a base pairing principle which says that adenine always pairs with thymine and cytosine always pairs with guanine. Now, this base pairing principle governs the formation of the DNA. It governs the structure of a DNA molecule. Ab kya hoga? According to Watson-Crick model, DNA has a double helical structure. So, the sequence of bases in one helix dictates the sequence of the bases in the other helix, because it follows the base pairing principle. Agar ek helix mein this is 3 prime, this is 5 prime, so they are opposite to each other, these two helices. Aur agar ek helix mein A hai to dusre mein automatically it will be T. Agar yahan C hai automatically G, यहाँ T है तो ऑटोमेटिकली A, यहाँ G है तो ऑटोमेटिकली C. सो दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन हेलिक्स ऑटोमेटिकली फिक्सेस द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द अदर हेलिक्स. दैट मीन्स दैट द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. दे आर नॉट आइडेंटिकल but they are complementary. What is the distance between the two base pairs? The distance is 0.34 nanometer. And what is the diameter of the helix? It is 2 nanometer. The diameter is 2 nanometer. The distance between two successive turns is
3.4 nanometer, which indicates that there are 10 base pairs in between two successive turns. And C pairs with G through 3 hydrogen bonds, and A pairs with T through 2 hydrogen bonds. So what does this mean? Ki ultimately the amount of adenine and guanine will always be equal to the amount of pyrimidine bases, that is cytosine and thymine. Now DNA is double stranded but RNA is single stranded. और DNA और RNA में basic difference क्या है कि जैसे DNA में thymine है, adenine pairs with thymine, RNA में adenine pairs with uracil. Now today you have studied about vitamins, proteins, nucleic acids and hormones. Questions related to these topics are given in the module. Apply the concepts to the questions. Thank you. God bless you.